Now my this demo is regarding the pinning of draping. तो मैं पिनिंग का डेमो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मसले आते हैं जब आप बच्चे पिनिंग के बारे में आते हैं, यू डोंट नो हाउ टू पिन. तो सबसे पहले अपने इस पॉइंट की पिनिंग कर लें, बेशक इसकी कर लें, बेशक पहले अपने शोल्डर्स जोड़ लें, दैट इज़ ऑल अप टू यू. जो ट्रिकी पार्ट होता है वो होता है स्लीव को कैसे अटैच करना. अब मैं यहाँ तक किमोनो पॉइंट तक पिन करूँगी. बिल्कुल किमोनो पॉइंट के ऊपर ये पिन आनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से और सीधी, डायगोनल नहीं कुछ भी नहीं. जैसे यहाँ पे वर्टिकल पिन्स थी वैसे ही सेम वर्टिकल पिन्स और वर्टिकल. ये मेरी फ्रंट हो गई है, अब मैं बैक की पिनिंग कर लेती हूँ. बिल्कुल फ्रंट की तरह बैक की भी पिनिंग होगी. इसकी भी उसी तरह बिल्कुल किमोनो पॉइंट पे फोल्ड करके स्ट्रेट पिन लगा दें. ठीक है, ये हो गई हमारी अब योक की पिन. उसके बाद हमारे पास ये दो पोर्शन आ गए हैं. तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि मैं अपना जापनीज रख रही हूँ इसके मिडिल में और मैं फ्रंट इसके ऊपर प्लेस करूँगी ऐसा और मैं बैक को फोल्ड करके जहाँ जहाँ मुझे पिन करना है वहाँ करूँगी. जापनीज हम इसलिए रख लेते हैं, इस तरह हमारा जो नीचे वाला एरिया होता है वो अंदर नहीं आता. अभी देखें मुझे ना इसकी फ्लेयर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम इसे मैनिक्विन पर लगाएंगे देन वी विल सी के कम करनी है कि नहीं करनी है. इसके डायरेक्शन सेम रखनी है आप लोगों ने, ठीक है, और इसे नॉच तक पिन करते हैं. ठीक है, ये होगी मेरी पिनिंग. इसके बाद आ जाती है मेरी इस साइड की पिनिंग शोल्डर की. उसके लिए भी मैं ये करूँगी, मैं इसको फ्लैट रखूँगी ऐसे जापनीज पे. मैं इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर रखूँगी बिल्कुल इस तरह से और मैं इसकी पिनिंग स्टार्ट कर दूँगी. नॉच तक पिन करें सबसे पहले. ये हो गया पिन. अब जो ये वाला पोर्शन है ना, मैं अभी इसे पिन नहीं करूँगी, इसे मेरे मैं कोशिश करूँगी मैं मैनिक्विन पे ले जा के पिन करूँ. ठीक है, इसे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, इसे इसको मैं थोड़ा और बड़ा निकाल दूँगी. ये
मेरी ओरिजिनल लाइन हो गया। कर्व को मैं मैनिकन पे ले जाके पिन करूंगी। अब बारी आती है मेरे स्लीव की इनर सीम की, उसके लिए भी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। आई टेक माय जापानीज और जैसे हमें पता है बैक फ्रंट पे आती है, तो मैं उसी तरह फ्रंट रखूंगी और मैं बैक को उसके ऊपर फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करें और इसको इस रूप में सॉरी पिन करें। अब मेरे पास बचा मेरा आर्म होल। अब आर्म होल की पिनिंग जैसे हम पहले करते हैं, मैं इसी तरह करूंगी कि मैं इसको यहाँ से पकड़ लूंगी अपने आर्म होल को, यहाँ से इंसर्ट कर, और मैं इसको इधर से फ्लैट करते हुए पिन करती जाऊंगी। अभी तो मैंने अलाउंसेस भी नहीं कट किए हुए, तो जब मैं अलाउंसेस को भी कट कर लूंगी तो मैं पिन करूंगी, और फाइनल में इसको हम स्टिच भी करेंगे। आप लोग इसको स्टिच करोगे, हैंड सो करोगे। तो फिलहाल तो मैं इसको पिन लगाने लगी हूँ, क्योंकि जब हम पिनिंग करते हैं ना, तो कभी कभी पिनिंग के मसले की वजह से हमारी पूरी ड्रेपिंग की शेप खराब हो जाती है। हालांकि मसला तो अब सिर्फ एक छोटी सी पिन के खराब होने का होता है। ठीक है, देखें मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि मेरा कर्व किधर है। ये देखें लाइट के डायरेक्शन में मैं देख रही हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है। लाइट के ऑपोजिट रखोगे ना तो आपको भी नज़र आएगा। और मैं इसको पिन करती जा रही हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए उसी तरह मैं इस साइड को भी पिन कर लूंगी। इसको भी लाइट के ऑपोजिट देखेंगे तो आपको नजर आता जाएगा। सबसे पहले मैं इसको रखती हूँ, देखिए ये आप सेट मेरा। बिल्कुल लाइन से लाइन रखें और बस पिन करते हैं। सो आई एम डन विद द पिनिंग। अगर मैं आपको सीधा करके दिखाऊं तो देखें मैंने यहाँ से पूरी पिनिंग कर ली है। ये वाली सर ये देखें मेरी यहाँ से पिनिंग हो चुकी है। मुझे लगता है यहाँ ना मुझे एक और पिन लगानी चाहिए। हम इसको मैनिकन पे देखें, इसको हमें मैनिकन पे दोबारा ले जाऊँगी। ठीक है, यहाँ से भी मेरी पिनिंग जा रही है। ठीक है, इसको हमें मैनिकन पे दोबारा लीजिए।